झोलाछाप डॉक्टरों ने जनरल स्टोर्स में बनाए अस्पताल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ऑपरेशन हो जाएगा, जवाब मिला सर्जरी ब्लेड लेते आना। मध्य प्रदेश में बिना वैदिक डिग्री के मरीजों का इलाज करने वाले झोलाछाप डॉक्टरों को लेकर दायर जनहित याचिका पर इस महीने 18 तारीख को हाईकोर्ट फिर सुनवाई करने वाला है। ये याचिका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जबलपुर के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अमरेंद्र पांडे की ओर से दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि ऐसे कथित डॉक्टर खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनके खिलाफ वैधिक कार्रवाई की जाना चाहिए। पिछले साल 15 फरवरी को हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव नेशनल मेडिकल कमीशन दिल्ली मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिलिंग के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। याचिकाकर्ता का कहना है कि तब से लेकर पिछली सुनवाई की तारीख तक सरकार ने जवाब दिया कि इस मामले की कार्रवाई की जा रही है, रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांगा है, अब सरकार को एक बार फिर जवाब देना होगा। इसी बीच दैनिक भास्कर ने राजधानी भोपाल और आसपास के इलाकों में बिना डिग्री के इलाज करने वाले कथित डॉक्टरों की पड़ताल की है। मरीज बनकर भास्कर टीम ने इन कथित डॉक्टरों के संपर्क में ये माइनर सर्जरी करने तक को तैयार हो गए। इनका दावा है कि इनके पास हर मर्ज का इलाज है। इनमें से कुछ तो ऐसे मिले जो दिन में टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाते हैं और शाम को डॉक्टर बन मरीज का इलाज करते हैं। राजधानी भोपाल के कोलार रोड से महज 10 किलोमीटर दूरी पर कजलीवार खेड़ा गांव, भास्कर की टीम ने गांव में डॉक्टर से पता पूछा तो डॉक्टर ने एक मकान की तरफ इशारा किया। यहाँ ममता जनरल स्टोर का बोर्ड लगा था। इस जनरल स्टोर में चल रहा है शेखर प्रजापति का क्लिनिक, जो पिछले 10 साल से गांव के लोगों का इलाज कर रहे हैं। शेखर प्रजापति के पास कोई डिग्री नहीं है। भास्कर की टीम ने जब क्लिनिक में पहुंची तो बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक का इलाज के लिए बैठे थे। प्रजापति एक मरीज का बीपी चेक कर रहे थे। यहाँ बैठे लोग से भास्कर रिपोर्ट में बात की तो पता चला कि प्रजापति बोतल लगाने से पहले इंजेक्शन लगाने तक की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। जब भास्कर की टीम की बारी आई तो शेखर ने तकलीफ पूछी। रिपोर्टर ने कहा, एक रिश्तेदार हैं जिनके शरीर में गठान हो गई है। शेखर बोले, आप मरीज को लेकर आइए, हमारे पास हर मर्ज का इलाज मिल जाएगा। सारी जानकारी लेने के बाद डॉक्टर शेखर दूसरे मरीजों को देखने लगे। अब भास्कर रिपोर्टर ने अपना असली परिचय दिया तो शेखर सकपक आ गए। मैंने 12 साल पहले भोपाल से जेपी अस्पताल में प्राथमिक उपचार की ट्रेनिंग ली थी। सुबह स्कूल में पढ़ाता हूँ, दोपहर में जो समय मिलता है उसमें मरीजों का इलाज कर देता हूँ। उन्होंने ये भी दावा किया कि पिछले 12 साल से इलाज कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई केस नहीं टूटा। इसके बाद भास्कर की टीम पहुंची भोपाल से नज़दीक बड़ौदा गाँव। यहाँ जुबैर खान एक क्लिनिक चलाते हैं, उनके नाम का बोर्ड लगा है और नीचे लिखा है BEMS। यहाँ भी भास्कर की टीम ने मरीज का रिश्तेदार बनकर पूछा कि मरीज के पैर में गंभीर समस्या है, क्या छोटी सर्जरी कर पाएंगे। इस पर जुबैर ने पर्ची बनाते हुए कहा कि मरीज के साथ एक सर्जरी ब्लेड भी लेकर आइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।